संबल में बेखौफ हत्यारों ने शिव मंदिर में मंदिर के पुजारी की हत्या कर दी। पुजारी की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। एसपी मौके पर पहुंचे हैं। जिले में दूसरे दिन लगातार हत्या की ये दूसरी वारदात है। मंदिर में पुजारी की हत्या की सनसनीखेज वारदात चंदोसी कोतवाली क्षेत्र में गोशाला रोड के शिव मंदिर की है, जहां मंदिर परिसर में ही पुजारी रोशन लाल सैनी की बीती रात किसी अपराधी ने सिर पर भारी वस्तु का प्रहार कर हत्या कर दी। सुबह मंदिर के पुजारी की हत्या की सूचना के बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, पुलिस भी मौके पर पहुंची है। पूरे प्रकरण में एक शख्स द्वारा एक दिन पहले पुजारी से गाली गलौज करने एवं हत्या की धमकी की बात भी सामने आई है। वहीं मंदिर में पुजारी की हत्या के बाद पुजारियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हुए हैं। जिले में लगातार दूसरे दिन हत्या की ये दूसरी वारदात है। कल नखासा थाना इलाके में भी एक महिला की गला रेत कर हत्या हुई थी। मौके पर पहुंचे एसपी ने कहा कि पुजारी से रंजिश रखने वाले दो लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। सर्विलांस और डॉग स्क्वाड ने मौके का निरीक्षण किया है। रोशन लाल पुजारी ये कब से रह रहे थे यहाँ पे? यहाँ तो काफी टाइम से यही पुजारी बने हुए हैं। पहले बालकिशन रहते थे, इनसे पहले अकेले रहते हैं या वैसे को साथ में रहता है परिवार? नहीं, अकेले हैं। नहीं, क्या आप ये सुबह कैसा मालूम पड़ा? क्या किस तरह? मतलब हम लोग सफाई कर जो सफाई करने आते हैं मिस्ते बाजार हैं, मतलब 9:30-9:30 तक चले जाते हैं यहाँ से सफाई करके रात को। उसके बाद में सुबह के लिए आते हैं 4 बजे या 4:30 बजे। हम सफाई करते हैं लेकिन उधर तो जा ही ना पाते हैं कोई भी। सुबह कैसे मालूम पड़ा? सुबह अचानक में मतलब जो दिलीप डॉक्टर हैं जो यहाँ के कोशिश देते हैं वो गए थे उधर के लिए, तो जब देखा तो ललित एडवोकेट हैं तो वो गए, उन्हें बुलाया तब देखने गए तो तब पता चली, बोला ऐसा हो गया। वो कैसे मारा गया है? किस अभी ये नहीं पता कैसे मारा, लेकिन आपने सब देखा, सबकी हालत क्या है? हालत तो बहुत खराब है, सिर में जख्म बहुत है। कहाँ पर? मोहल्ले में ही गाली दे रहा था का। जब वो आ रहे थे तो कोई बात नहीं, जब उसने महाराज के पाँव छुए, महाराज ने बोला था कि भाई मेरे पाँव में छुए, मेरे पाँव में छुए, दूर से छू ले, कोई बात नहीं। वहां से आगे बढ़ गए, दुकान पे जाके खड़े हुए, महाराज ने एक सिगरेट ली, सिगरेट लेकर जलाने लगे। जलाने के बाद वो कह लगा दुकान के द्वारा ही भैया गाली देने लगा, महात्मा तुम्हारे दिन जगड़ दूंगा, उठा कर पटक दूंगा और फेंक दूंगा, जगड़ दूंगा पकड़ दूंगा। तो दुकान वाला बोलेगा कौन था? वो कौन था दुकान वाला? नाम तो खैर पता नहीं दुकान वाले का। गाली वगैरह तो मत वो हरिओम था। कहाँ का रहने वाला? मिलक का ही है। अब जैसे गाली वाली गुप्तारी हुई कोई बात ना, एक दो चपत मारे उसके, वो चला गया गाली बकता हुआ। वहाँ से बोला लौट के आगे, कब तू साले रात को सो मंदिर पे, आज तुझे रात को मार दूंगा। और रात को आपके सामने की बात है सारी? हाँ जी, हमारे जो लड़का गऊआ है दीवान जी के साथ में, वो खुद मौजूदगी में वहीं पे था। नहीं, ये सारे बात के आपके सामने का है? हाँ, तो भाई भाई थे हम खड़े हुए, सुन सब रहे थे। सोनू नाम है, इसी मोहल्ले के रहने वाले जो क्या हुई बात है? जी 10 बजे के आसपास। ये बात थाने नहीं बता सकते जाके? बताने के लिए सर, जब इतने आदमियों के सामने बता रहे, थाने में कौन ही बता सकते? रात में अभी तो बता रहे हैं, सही बात है। रात में क्या आदमी का आदमी तो मजा खोरिया वाली है, थप्पड़ मार दिया किसी को तो बुझे थोड़ा सा कुछ मारी देगा। हमारे पिता का नाम क्या है? पिता का नाम श्री राम सैनी। ये चंदौसी थाने के अंतर्गत एक शिव मंदिर है। यहाँ पर रोशन लाल सैनी जो इसी मोहल्ले के रहने वाले हैं, यहाँ पर पूजा पाठ का काम किया करते थे। यहाँ बगल में एक कोठरी बनी हुई है जिसमें आज सुबह सूचना मिली कि उनका शव यहाँ पर है। पुलिस के द्वारा मौके पर आकर जांच पड़ताल की गई तो उनके सर पर किसी भारी पत्थर से वार करके उनकी हत्या की गई है। शव को पुलिस के द्वारा पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। यहाँ पर डॉग स्क्वाड, सर्विलांस और अन्य टीमों के द्वारा जाँच की जा रही है। दो व्यक्तियों को जिनके साथ इनका पुराना झगड़ा होना या फिर इस तरह की चीज़ होना प्रकाश में आया है, उनको हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। जल्दी इस घटना का वर्कआउट किया जाएगा। इसमें प्रथम दृष्टया जो है वो यहाँ पर रात में इनका खाना और इनके साथ पीने वगैरह का सामान साथ रखा हुआ है, जिससे कि लग रहा है कोई जानने वाले परिचित व्यक्ति के द्वारा ये किया गया है। जल्दी इसको वर्कआउट किया जाएगा। धन्यवाद।